आज देश की जनता नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मतदान करेगी आगे, और ये सोचते हैं कि विकल्प नहीं है। केवल मीडिया से और केवल प्रचार से बातें नहीं बनती, कोई भी चीज़ है टूट टूट के जुड़ती है, कोई भी गलतियाँ ठीक होने से समझती है। आपके पास कोई बात थी, आप करते पाँच साल चार साल निकाल दिए, कोई व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, गरीबों को सुधार की बात, उनकी कल्याण की बात करें। आज खाट पर पड़ करके गरीब आदमी का बच्चा इसलिए मर रहा है, बाप के सामने बेटा इसलिए मर रहा है क्योंकि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। अब उसकी व्यवस्था कर नहीं पाए और बात करते हो दूसरी, क्यों? बूथ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी अगर आप काम करते तो। कांग्रेस को कैसा समझते हो आप बीजेपी के कंपेयर में? इस वक्त तो बीजेपी से तो सारी पार्टी बेटर है। इस वक्त जो बीजेपी का जो हाल है ना, उसे तो देश की जितनी भी पार्टियां हैं सारी ठीक है, इनेलो भी ठीक है, अगर सारी ठीक है, इससे तो सारी ठीक है बीजेपी। तो क्योंकि आप तो आपका बड़ा राजनीतिक करियर जो है बड़ा लंबा रहा है, आप किस किस मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सलाहकार रहे हो? मैं चौधरी बंसीलाल जी का तो पॉलिटिकल एडवाइजर रहा, और ओम प्रकाश चौटाला का मैं रहा पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और चौधरी देवीलाल जी का जब वो जनता दल के अध्यक्ष थे तो उनका मैं संगठन मंत्री, महामंत्री और सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट मेरे पास थी, और उसके बाद पार्टी की डिफरेंट। कांग्रेस में मैं संगठन मंत्री रहा, और भारतीय जनता पार्टी में नीति विषयक शोध विभाग का प्रमुख प्रदेश का रहा, और घोषणा पत्र समिति का मैं सदस्य था, मनोहर लाल अनिल विज रामसारे थे। चूँकि आपने सारी पार्टियां तमाम पार्टियां देख ली हैं, तो इनमें से आप किसको कितने नंबर देते हो? नहीं, अभी देखो जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच थी ना, वो ये था कि पार्टी विद डिफरेंस इंटरनल डेमोक्रेसी, वो उस बात को लेकर के लोगों की नज़र टिकती थी। पर अब जो जिस तरह से पहला स्टेप इन्होंने बनाया ना, तो गुजरात के अपने नज़दीकी मित्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं गलत। दूसरा एक जो नारा था सबका साथ और सबका विकास, ये अमित शाह आए थे रोहतक और मैंने ये बात मीटिंग में उठाई थी कि सबका साथ और सबका विकास आपका नारा ही गलत है। जब गाय का और शेर का दोनों का जंगल में एक सा विकास करोगे तो शेर का शिकार गाय होगी। अब जो बड़े लोग हैं, जो समर्थ हैं, समर्थवान हैं, जिन पास धन दौलत है, उनकी सहायता से गरीब और किसान और मजबूर का आदमी को ऊपर उठाई, अब खुला छोड़ दो तो जंगल की प्रकृति का रूल है। तो अब सोसाइटी, सभ्य सोसाइटी का रूल ये है कि जो मजबूर है, शरीफ है, गरीब है, पीड़ित है, जो उस आदमी को सहारा दीजिए आप। ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी से आपकी नज़दीकियाँ हो रही हैं, आप उसमें? नहीं, मेरी तो चेहरे से कभी बात नहीं हुई। तो थोड़े पत्ते आप कब खोलोगे कि कहाँ जाओगे? क्योंकि आपका जीवन राजनीतिक रहा। आप देखिए कि मैं एक खुदार आदमी हूँ, स्वाभिमान और मन से खिलाफ नहीं जाता। मुझे जो चीज़ गलत लगती है खड़े पैर में छोड़ता हूँ उसको, भाई ये तेरी गलती है, या तो बात को समझ छोड़ देता हूँ। ये ढोता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ढोता किसी का कि कोई आदमी इसलिए कि भाई अपना, क्योंकि ईमानदारी और आदर्श, ईमानदारी हमारा आदर्श है, काम हम करते हैं, गरीब ग्रामीण के प्रति दिल में दर्द है, सोच ये है कि कुछ बदले, उस सोच को लेकर के हम जाते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पर तो डर रहा वो जब नहीं बदलते तो हम फिर उससे अलग हो। अगला कदम कब रखोगे? अभी लोगों से पूछेंगे, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसके बाद कोई अगला रास्ता निकलेगा। क्योंकि जनता ने तो कहा नहीं, आप भाजपा छोड़ दो, अपने मन की बात सुनी है, तो अभी मन क्या कहता है, कहाँ जाना चाहिए? नहीं, मन है, जब जनता से पूछेंगे, मन और जनता दोनों का मन मिलेगा जब काम करेंगे ना। आपने रैली भी की थी मुख्यमंत्री की नलवा हल्के के लिए, चौधरीवास में रैली की थी, तो उससे कुछ हासिल हुआ हल्के को? नहीं हुआ। रैली की थी और रैली भी खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मास्टर जी रैली करोगे तो मैं कर लूँगा, तो मैंने उनके कहने से रैली कर दी थी। और रैली में मुख्य बात जो हमारी तीन ही फ्लाई थी कि एक तो इलाके के लिए पानी दो, एक ये जो पशु है ना जंगली, इनका वो करो, ये तीन बातें हमने करी थी। उसमें उस समस्याओं का समाधान हुआ नहीं, जो कि तो खड़ी है।